Children, a very good morning to all of you. Today I am going to teach you the fourth chapter of your book, A Pack with the Sun, The Old Clock Saw. This is a very nice story, and in this story took place on Christmas Eve, the evening before Christmas. Christmas ki par sandhapar ghatna gathi hai. This स्टोरी इज दू स्टोरी एंड दिसक्रीड यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी एज लास्ट मिनट सॉपर्स वेयर गोइंग होम और अंतिम समय में ग्राहक लोग अपने घर को जा रहे थे एंिक व्हाइट सीट ऑफ स्नो ले ऑवर शार्ट लेक सिटी यूएसए अमेरिका के शार्ट लेक सिटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी ये द लाइट वेर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप लेकिन एक पुरानी घड़ी की दुकान में अभी भी बत्तियां जल रही थी एज रे इट्स ओल्ड इफ ऑनर क्यों जल रही थी भाई तो उसका बूढ़ा बहरा जो मालिक था रे श्रीमान रे वर्क ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे उस घड़ी को ठीक कर रहा था जो उसने उसी दिन बेची थी टर्न द पेज हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम वेन ए कोल्ड रस ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक जब अपना वो काम पूरा कर लिया मिस्टर रे और खड़ा हुआ तो पिछले कमरे में जा रहा था तो क्या हुआ अगले दरवाजे में से ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन के पीछे लगा हिटन टर्न टू मीट या लास्ट मिनट सॉपर और वो पीछे मुड़ता है अंतिम क्षण के ग्राहक से मिलने के लिए बट इज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट ही वॉज दिस वॉज नॉट एपर लेकिन उसकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने यह पता लगा लिया कि यह ग्राहक नहीं है ट्वेंटी अदर क्लोजर टू फिफ्टी उसने दो आदमी को देखा एक लगभग बीस साल का था और दूसरा पचास के आस पास का दंगर मैन रिमेन एट द डोर जो छोटा था यानी जो युवा था वो दरवाजे के पास खड़ा रहा द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो शाइन ऑफ फ्रेंडलीनेस कहता है कि बड़ी आयु वाला आदमी काउंटर की ओर आया और उसकी आंखों में मित्रता का कोई भाव नहीं था re was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. Ray upna bhakku chupaliya or dhiridhiria and a copy or a pencil counter par sarkadi. i've already told you that he was a dip. he smiled at the unfriendly face. then pointed to his eyes and shook his head from side to side usne kya kiya muskuraya aur kis par muskuraya ki he smiled at the unfriendly face jo vah jo unfriendly mane जिसका दुष्टाना व्यवहार नहीं था उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराया और फिर क्या किया देन पॉइंटेड टू हिज और फिर अपने कानों की ओर संकेत किया एंड सुख हेड और अपने गर्दन को हिलाया फ्रॉम साइड टू साइड एक तरफ से दूसरी ओर ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस है ना एज ही स्टडी द नोटपेड जब वो नोटपेड को पढ़ा है ना तो उस व्यक्ति को एकदम आश्चर्य हुआ देन टर्न एंड सेट समू एक्सप्रेन और वो मुड़ा और फिर अपने दोस्त को जाकर कुछ कहा रे यूज टू रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन और रे ने इसी अवसर का लाभ उठाया और उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा पेइंग अटेंशन टू द सेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन राइट कोट पॉकेट उसने उस व्यक्ति के कोट की दाई जेब में एक पिस्तौल की आकृति जैसा कुछ देखा उस व्यक्ति के बेचैन हाथ को भी उसने देखा एंगर बॉयल विद एन ही उसका क्रोध एक तरह से उबल रहा था बट इट वॉज केप टाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल परंतु उसके मन की आवाज ने उस पर काबू डाली और उसे कहा मानो कि शांत होने नोट पेड पर लिखा मैं आई हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली और पहली बार वह जो बूढ़ा आदमी था रे को देख देखा सीधा देखा एंड स्माइल और मुस्कुराया क्रूएल मॉकिंग स्माइल, क्रूर और कड़वी मुस्कुराहट। दे बोथ अंडर स्टूड वा ही वॉज देयर। वे दोनों समझ जाते हैं कि वह वहाँ क्यों था वाह फ्रेंड रिमेन एट द डोर और उसका दरवाजा में उसका दोस्त क्यों था दे लुक लाइक मैन डाउन ऑन देअर लक देखने में वो ऐसे आदमी लगते थे जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था एन वे नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट और वे ऐसा काम करने को तैयार थे जिसके लिए उन्हें बड़ा दुख होगा खेद होगा दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन The second part of the chapter. Thank you.